हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ विनीत फ्रॉम SKV गेमिंग एंड टेक। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे वन प्लस वन को एंड्रॉयड 6 मार्शमेलो से एंड्रॉयड 7 नोगट में अपग्रेड करें। अपग्रेड करने के लिए हमें कुछ फाइल्स की ज़रूरत होगी, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। सारी फाइल्स डाउनलोड करके इंटरनल मेमोरी में कॉपी कर लें और फ़ोन के USB डीबगिंग को ऑन करके शट डाउन कर दें। अब फर्स्ट स्टेप में मैंने अपने TWRP को अपग्रेड किया है, क्योंकि मेरा TWRP आउटडेटेड था। अगर आपका TWRP पहले से अपडेटेड है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। TWRP अपग्रेड करने के लिए मोबाइल को फास्ट बूट मोड में ले जाएं। इसके लिए आपको फ़ोन को शट डाउन करने के बाद पावर प्लस वॉल्यूम बटन प्रेस करके ऑन करना होता है। फिर उसके बाद एंड्रॉयड SDK की slim.zip फाइल जो आपने डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट करें और प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर को ओपन करें। यहाँ पर आपको कमांड लाइन खोलना है, उसके लिए आप शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करें और कमांड लाइन को ओपन करें। यहाँ पर आप कमांड लिखें फास्ट बूट डिवाइसेस, में आपके फ़ोन का नाम आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक करी है, तो पिछले वाले स्टेप्स को दोबारा चेक करें। कमांड लाइन ओपन होने के बाद आप दोबारा से कमांड टाइप करें फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी और रिकवरी फाइल का जो आपका नेम है उसको। इसके बाद आपका रिकवरी फाइल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल को रिकवरी मोड में खोलें, उसके लिए आपको पावर और वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखना होगा। अब हमारा TWRP ओपन हो गया। यहाँ पे इसमें हम लोग वाइप ऑप्शन में जाएंगे और एडवांस वाइप में सेलेक्ट करेंगे डाल्विक सिस्टम डेटा और कैशे। इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो भी फाइल्स स्टोर्ड हैं वो इरेज हो जाएंगी। स्वाइप टू कंफर्म कर दें। अब दोबारा होम पे जाएंगे, हम लोग इंस्टॉल ऑप्शन में जाएंगे और होम। अब हम लोग अपने जो रॉम की फाइल है जो इंस्टॉल करनी है आपको, कस्टम रॉम, वो इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन रिमिक्स को इंस्टॉल किया है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश करूंगा। इसके बाद मेरा जो रॉम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। रॉम के बाद मैं गूगल ऐप्स को इंस्टॉल करूंगा, तो इंस्टॉल ऑप्शन में जाऊंगा और गूगल ऐप्स की फाइल को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश करूंगा और ये इंस्टॉल हो गया। अब होम पे जाऊंगा और वाइप पे जाके एडवांस वाइप के अंदर सिर्फ डाल्विक कैसे को करूंगा सेलेक्ट। स्वाइप टू वाइप करूंगा। अब रिबूट सिस्टम में जाके रिबूट करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारा रॉम कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है और मैंने इसमें बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल किए हैं। सारे ऐप्स बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 हो चुका है, लेकिन नोगट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट करें आप, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।